हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने गाड़ी पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाया है तो आप जल्द से जल्द लगवा लें, क्योंकि आपके गाड़ी में HSRP प्लेट नहीं लगा है तो आपको 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने गाड़ी का HSRP प्लेट ऑनलाइन होम डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद से आपको SIAM HSRP एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि जो सबसे पहला ही लिंक है उसी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पे आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि आपका फुल नेम, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, IAGREE के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से अपना डिटेल फिल कर लेते हैं। ये मैंने डिटेल सारे फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद से IAGREE के चेकबॉक्स पे चेक करना है। चेक करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी ऑटो व्हीकल्स की कंपनियां हैं उनका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी जिस कंपनी की है उसी कंपनी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी गाड़ी होंडा की है तो मैं होंडा सेलेक्ट कर लूंगा। होंडा सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कुछ एक makemyhsrp.com पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक और पेज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे न्यू ऑर्डर करना है या रिप्लेसमेंट ऑर्डर करना है। यहाँ पे मुझे न्यू ऑर्डर करना है तो मैं न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, आपके गाड़ी का इंजन नंबर, मोटर नंबर पूछा जा रहा है, फिर आपके गाड़ी का चेसिस नंबर, फ्रेम और VIN नंबर पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना डिटेल फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपको गेट डेटा पे क्लिक करना है। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपका गाड़ी का पूरा डिटेल यहाँ पे फेच होके आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल फेच हो गया है। उसके बाद एक बार वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका व्हीकल क्लास मॉडल नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कैसा आपको जो आपका HSRP प्लेट होगा उसकी साइज क्या होगी, कितने बैक और फ्रंट का कैसा लगवाना चाहते हैं, अगर स्क्वायर में लगवाना है कि आपको आगे पतले वाले लगाना है, वो आपको यहाँ पर डिजाइन आपको बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे गाड़ी का जो डिटेल है वो इस टाइप से प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रंट में ये मैंने पतला वाला लिया है एंड जो रियर में होगा वो बड़े में होगा, स्क्वायर में होगा। तो मैं इस टाइप का कर दिया हूँ। वो करने आप एक बार देख लग सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना जो मॉडल है, क्लास है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ आपको कॉस्ट भी पे करना होगा, जैसे कि 424.80 रुपए का मुझे पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन ही पेमेंट ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा। इसके बाद से आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिक्सिंग स्टेट पूछा जा रहा है, जहाँ पे कि आप कहाँ कौन से स्टेट में इसको फिक्स कराना चाहते हैं, अपने गाड़ी में लगवाना चाहते हैं। तो मेरे केस में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद से आपको फिक्सिंग सिटी पूछा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में कौन सी सिटी में आप रहते हो, इस सिटी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना सिटी। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शन ओपन हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप होम डिलीवरी भी अपने घर पे भी इसको मंगा सकते हैं, घर पे भी आकर लगा सकते हैं, लेकिन आपको एडिशनल कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा, जैसे कि 125 रुपए का एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा। 125 रुपए देने होंगे तो आपके घर पे ही आकर के वो जो भी डीलर होगा वो लगा देंगे। अगर आपको अपने डीलर के थ्रू लगवाना है, आप अगर शोरूम में जाकर लगवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना होम डिलीवरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका पिन नंबर पूछा जाएगा कि कौन से एरिया आपको आता है। यहाँ पर मैं पिन नंबर एंटर कर लेता हूँ। पिन नंबर एंटर करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और भी फिक्सिंग एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ पर मैं अपना फिक्सिंग एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि होम डिलीवरी के लिए जो डेट दिया गया है 19 अप्रैल दिया गया है। तो यहाँ पर वाराणसी सिटी एंड पिन कोड दिया गया है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपसे फिक्सिंग डेट पूछा जा रहा है, किस डेट को आप अवेलेबल लेंगे। तो मैं यहाँ पर डेट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये डेट में आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर का है वो ऑलरेडी बुक्ड है, तो उस समय आपको नहीं मिलेगा। आपको केवल जो ब्लैक कलर का है उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 20 सेलेक्ट करने के बाद से मैं यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर मुझे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका
ओनर का डिटेल पूछा जा रहा है, एड्रेस पूछा जा रहा है, जैसे कि ओनर नेम पूछा जा रहा है, एड्रेस वन, एड्रेस टू, सिटी, पिन कोड ऑटोमेटिक फेच होके आ गया, स्टेट ऑटोमेटिक आ गया, आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। यहाँ पे चलिए जल्दी से फिल कर लेते हैं। ये मैंने देख सकते हैं कि मैंने पूरा डिटेल फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपको एक बार अपना डिटेल वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि मैंने ओनर का नाम फिल कर लिया, एड्रेस फिल कर दिया, एड्रेस टू फिल कर लिया, सिटी फिल कर दिया, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल मैंने फिल कर लिया है। मेरा डिटेल सारे करेक्ट हैं, तो उसके बाद से मुझे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि डीलर का नाम जो होम डिलीवरी है, वाराणसी में आएगा। ये गेट एफिक्स डेट आपको यहाँ पे डोर स्टेप दिया गया है, जो आपका होम डिलीवरी है। उसके बाद से आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा, 147.50 रुपये का आपको एडिशनल कॉस्ट देना होगा यहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गया, जैसे ओनर नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, आपका व्हीकल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। जो भी आपका व्हीकल का इन्फॉर्मेशन वो भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन डेट आपका आ गया है, 36 नंबर आ गया, इंजन नंबर आ गया, आपका व्हीकल क्लास है, फ्यूल टाइप है, प्राइम, ये सब आपका डिटेल आ गया है। उसके बाद से आपको डिक्लेयर पे क्लिक करना है। डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर लेना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपका आप यहाँ पे पेमेंट जो भी पेमेंट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे कितना 584.37 पैसे का पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आपके पास यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अमेजोन पे के थ्रू कर सकते हैं, मोबीक्विक के थ्रू कर सकते हैं, वीम के थ्रू कर सकते हैं, जीपे के थ्रू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे शो क्यूआर पे आपको क्लिक कर लेना है। शो क्यूआर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। इसको आपको अपने मोबाइल से कोई भी पेमेंट ऐप है उससे आपको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। ये एक बार कंप्लीट हो गया, आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है कंपनी का एक एजेंट आएगा, एजेंट जो भी आपने डेट सेलेक्ट किया है उस डेट को एक कंपनी का एजेंट आएगा आपके घर और आपके गाड़ी में जो है HSRP प्लेट को फिक्स कर देगा। तो जो आपने जो भी कंप्लीट जो प्रोसेस है वो तो आपने पहले से ही कंप्लीट कर दिया है। तो कितना ईजी प्रोसेस है ये आपके HSRP प्लेट को अपने घर पे ही मंगाने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो अगर बनाना है तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना के चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना करके भी मैं अपलोड कर दूंगा।